हेलो फ्रेंड्स, मैं सी राकेश सिंगल, रिसर्च एनालिस्ट, और आपका स्वागत है हमारी डेली सीरीज कल के बाजार में क्या करें। तो सबसे पहले बात करते हैं 30 अप्रैल के बाजार की, और आज हम आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल तो बताएंगे ही, साथ ही एक स्टॉक पिक देंगे शॉर्ट टर्म के लिए, और साथ ही साथ अपने दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार की। आज यानी 30 अप्रैल को अप्रैल मंथ की एक्सपायरी थी, और निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज ओपन हुआ 9754 पर, और साथ ही इमीडिएटली निफ्टी ने डे लो लगाया 9732 का। लेकिन उसके बाद निफ्टी ने पहले 9800 का लेवल ब्रेक किया, और उसके बाद 9850 का लेवल ब्रेक किया, और 9900 के लेवल को टच करने की कोशिश की, और 9889 तक के लेवल लगाए, और उसके बाद एक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, जिससे कि निफ्टी को 9770 तक ले आए। हालांकि फाइनली निफ्टी ने 9860 के आसपास क्लोजिंग दी। कल के लिए यानी मंडे जब बाजार खुलेंगे, तो कल के लिए अगर मैं बात करूं तो निफ्टी ने लास्ट हमारा जो निफ्टी में रेजिस्टेंस है वो 9400 का रेजिस्टेंस था, जो निफ्टी ने इस वीक में ब्रेक किया। अगर वो रेजिस्टेंस अब एक सपोर्ट का काम करेगा, अगर 9400 का लेवल नीचे की तरफ टूटता है तो फिर हम, और वो सस्टेन भी करता है, तो फिर हम निफ्टी में कल 9350 से 9300 तक के लेवल देख सकते हैं। अदरवाइज हमें लगता है ऊपर में 9850 से लेके 9900 और 9950 तक के लेवल भी देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी की बात करें तो 30 अप्रैल को बैंक निफ्टी ओपन हुआ 21589 पर, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी ने पहले 21800 का लेवल ब्रेक किया, और उसके बाद 22000 के लेवल को टच करने की कोशिश की, लेकिन 21967 का हाई लगाते हुए उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक हैवी सेलिंग आई, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने 21354 का डे लो लगाया, और फाइनली बैंक निफ्टी ने 21534 पर क्लोजिंग दी। कल के लिए यानी 4 अप्रैल को जब मंडे मार्केट खुलेगा, तो लास्ट वीक बैंक निफ्टी में 21100 का रेजिस्टेंस था, जो कि कल एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करता है, यानी कि 21100 से 21000 के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट बन सकता है, जो कि अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तो ही हम नीचे में बैंक निफ्टी में 20700 से 20500 तक के लेवल देख सकते हैं, अदरवाइज ऊपर में हमें 22000 तक के लेवल नजर आते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले थोड़ी कमजोरी दिखा सकता है। अब बात करते हैं आपका पिक ऑफ द डे की। आज का हमारा पिक ऑफ द डे है टेक महिंद्रा। आज का भाव है इसका 546। स्टॉक को आप करंट लेवल पर या डिप्स पर करीब 525 से 535 के लेवल में खरीद सकते हैं। हमारा टारगेट प्राइस है 630 रुपए का, जो कि लगभग 18% अपसाइड देता है अगले 1 से 2 महीने में, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा करीब 579 का क्लोजिंग बेस पर। स्टॉक की डेली और वीकली RSI राइज कर रही है ओवरसोल्ड रेंज से, साथ ही हमारा जो प्राइस है वो सपोर्ट प्राइस के आसपास है, तो ये इसीलिए हम स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं। अब बात करते हैं दर्शकों के सवालों की। हमारा पहला सवाल है गणेश शर्मा जी का आलोक इंडस्ट्री पर। आलोक इंडस्ट्री इसका करंट भाव है 7.25 रुपए। कंपनी एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, और कंपनी के ऊपर लेकिन 30,000 करोड़ से ज्यादा का डेट है, और SBI ने इसीलिए इसको इंसॉल्वेंसी के लिए इनिशिएट किया था। हालांकि उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री ने इस कंपनी में करीब 38% का स्टेक खरीदा था 3 रुपए के रेट पर। हालांकि क्योंकि कंपनी में हैवी डेट है, तो हम इस कंपनी को अभी रिकमेंड नहीं करेंगे। हम स्पेशली इस तरह के टाइम में COVID-19 में जहां के काफी हैवी डेट वाली कंपनियों को काफी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए इस तरह की कंपनियों से दूरी रहना चाहिए। बाकी आपके किसी पार्टिकुलर स्टॉक को लेकर कोई क्वेश्चन है तो हमें जरूर लिखें, हम उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही घर पर ही रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें, मुनाफा कमाते रहें, घर पर ही रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।